नमस्कार, मैं हूँ सरोज राजपूत और आप देख रहे हैं राष्ट्र आजकल। बदनावर में दोत्रिया चौकी प्रभारी गरिमा शाक्यवर ने मुखबिर की सूचना पर संदिग्ध व्यक्ति के पास से कच्ची देसी अवैध शराब जब्त की, तो वहीं एक अन्य दूसरे आरोपी को सट्टा पर्ची लेते हुए पकड़ा। मुखबिर से सूचना मिली कि एकता चिकन सेंटर के पास बदनावर पेटलावद रोड पर एक व्यक्ति दो नीले रंग की केन में कच्ची देशी हाथ की भट्टी की अवैध शराब बेचने के लिए खड़ा है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस और देखा कि एक व्यक्ति दो नीले रंग की केन लेकर बेचने के लिए बैठा है। उसमें 35-35 लीटर की कच्ची देशी अवैध शराब को जब्त करके उनके ऊपर 34/2 आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। शराब की कीमत लगभग 3500 रुपये बताई जा रही है। कल रात में कार्रवाई हुई, क्या मामला है पूरा? मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि एकता चिकन सेंटर के पास में पेटलावद बदनावर रोड पर एक व्यक्ति दो केन नीले रंग की केन में कच्ची देसी हाथ भट्टी महुआ शराब बेचने के लिए बैठा हुआ है। तो मुखबिर की सूचना पर हम लोग गए थे फोर्स और पंचायत को लेकर, जहाँ देखा कि वो दो नीले रंग की केन में 35-35 लीटर कच्ची हाथ भट्टी महुआ शराब लेकर बेचने के लिए बैठा हुआ था, जिसको घेराबंदी कर पकड़ा हमने और समक्ष पंचायतों को उसको गिरफ्तार करा और जो जब्त शराब को जब्त करा और फिर उसके ऊपर 34 आबकारी अधिनियम की कार्रवाई की। नाम क्या है आरोपियों के? आरोपी एक है, उसका नाम है सैदुल पिता कृष्ण भैया माधोगी, आंध्र प्रदेश का रहने वाला है। अभी करीबन 10 साल से यहाँ गाँव भिसला में रह रहा था। देसी और विदेशी में से ब्रांडेड भी है, कुछ मिला क्या? नहीं, कच्ची दारू। कच्ची है। और सट्टे का क्या, कौन सा आरोपी पकड़ा है? कल दिनांक को मुखबिर के जरिए ही सूचना मिली थी कि सेमलखेड़ा पुलिया के पास को एक दूल सिंह पिता भगवान जी निनामा ये सट्टा पर्ची बैठ रहा है, हाजिर का खेल खेल रहा है। तो मुखबिर की सूचना पर रवाना हो गए फोर्स के और पंचायत के, गए थे घेराबंदी कर उसको पकड़ा और 4 का सट्टा अधिनियम के खिलाफ अपराध दर्ज किया। ये लगाईवाल था कि खईवाल था? खईवाल। आपका नाम? मेरा नाम गरिमा शाक्यवर। आपके शहर की विश्वसनीय और तथ्यपूर्ण खबरें देखिए सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल पर। रखिए देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट जरूर करें। और अगर आप हमारा चैनल यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।